पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं अपने कार्यालय के सामने हजारों हजार की हुजूम के साथ जुड़ गए हैं। आज जो है कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी मना रही है, राजद भी मना रही है और जदयू भी मना रही है, जहां राष्ट्रीय जनता दल राजद के जो लोग हैं वो कृष्ण मेमोरियल हॉल में वो कार्यक्रम कर रहे हैं और जदयू के जो लोग हैं, जदयू पार्टी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित वेटनरी ग्राउंड में यह कार्यक्रम का आगाज हो गया है। लेकिन हम आपको भारतीय जनता पार्टी से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने मिलर ग्राउंड जो है उसमें कार्यक्रम करने के लिए अपनी जो तैयारी की थी, लेकिन मिलर ग्राउंड में एक दिन पहले वो जदयू के वहाँ पर कार्यकर्ता ने पूरा जदयू के कार्यकर्ताओं से पटा हुआ था और इस कारण से जो है भारतीय जनता पार्टी ने बीच सड़क पर वीर चंद जो पटेल पथ है मेन सड़क पर कार्यक्रम करने की तैयारी की। और बहुत जल्दी में आपने देखिए कि ये ट्रक है, इस ये ट्रक के जो पीछे वाला पार्ट है उसको स्टेज के रूप में बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने सड़कों पर आप देखिए कि हजारों हजार की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आप देखिए कि दूर दूर तक सड़कों पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, मंच पर आप देख रहे हैं कि मंच पे चूंकि जगह कम है तो छोटे जो बड़े नेता हैं काफ़ी कम संख्या में, वो बड़े नेता ही केवल मंच पर हैं, बाकी जो भी नेता हैं आप देख पा रहे हैं कि वो लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। सड़कों पर भी जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो बैठे हुए हैं, जो तमाम कार्यकर्तागण हैं वो सड़कों पर आप देख पा रहे हैं कि हजारों हजार की हुजूम जो है वो है। लेकिन इस बीच आपको बताते चलें कि कल जो एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न देने का ऐलान किया, तब से बिहार की राजनीति बदल गई। तमाम जो दल थे, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को लगातार वो उठाते रहा है और आज भी उन दलों की यह तैयारी थी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग आज फिर से उठाई जाएगी। लेकिन ऐसे में देर रात जो नोटिफिकेशन आता है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाएगा, ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं वो लगातार मंच से ऐलान कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न का सम्मान दिया गया है उसको लेकर अब लगातार ये हमलावर हो गए हैं। बड़े बड़े जो दावे कांग्रेस करते आई है या फिर नीतीश कुमार करते आए हैं, राजा जब कांग्रेस मिली जुली सरकार रही है तब पर भी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने भारत रत्न कभी भी कर्पूरी ठाकुर को नहीं दिया। अब मंच से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब मंच से जो भी नेता आ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहे हैं और कह यही रहे हैं पिछड़े के बेटे ने ही पिछड़े जो हैं पीछे और दलितों मरहुमों की जो आवाज़ है जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न देके बिहार के गरीबों का सम्मान किया है, बिहार के पिछड़ों और दलितों का सम्मान किया है। तो देखिए, आने वाले चुनाव में ये जो मुद्दा है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है और अभी मंच से हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने बीच सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और नेताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और अब भारतीय जनता पार्टी एक प्लानिंग के तहत अब जो भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को जो दिया गया है उसको लेकर लगातार नरेंद्र मोदी जी की सराहना कर रहा है। हम लगातार ग्राउंड पर आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।